सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आपने कल देखा था, मैं मार्केट गया था। मार्केट से क्या लाया हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। दुकान के सामने कुछ ऐसा नज़ारा है, जो कल ढलाई हो रहा था, ढलाई खत्म हो चुका है और जितने सारे माल थे मैंने बाहर लगा दिया। अभी दुकान आपको खाली खाली दिख रहा होगा। अभी यहाँ पर माल आया हुआ है, इसमें है और इसमें। देखते हैं पहले कि इस प्लास्टिक में क्या है, ठीक है। एक और उसके बाद प्लास्टिक है, इसमें भी देखें क्या है। देखिए इसमें ना जीन्स है, जो हम लोग लाइक ब्लैक जीन्स है और ये बड़ा साइज़ का जीन्स है। इसमें बड़ा साइज़ का जीन्स है, यानी कि 36 टू 40 साइज़ का जीन्स इसमें है। ये आपका ब्लैक जीन्स है, जो कि पूरा डार्क ब्लैक होता है। ये पूरा वाइट जीन्स है, यानी कि वो ब्लैक था और ये पूरा डार्क एकदम वाइट जीन्स, पूरा स्ट्रेचेबल है, एंकल लेंथ जीन्स है ये सब। और एक नीकट जीन्स होगा, ब्लैक में नीकट, यानी एक जीन्स है, ये जो जीन्स है वो ब्लैक में नीकट है, यानी कि अभी मेरे पास आया है ये ब्लैक में नीकट, ये डार्क वाइट और ये ब्लैक जीन्स और ये लॉन्ग जीन्स, यानी कि ये बड़ा जीन्स है अभी। तो ये वाले जीन्स को अभी लगाने के लिए ये स्पेस को खाली करना पड़ेगा, खाली करके यहाँ पर जीन्स लगाना पड़ेगा। तो चलिए अभी से पहले खाली करते हैं। इसमें कॉटन का पैंट ऐसे रहने देते हैं, ये जीन्स है और ये वाला पोर्शन ये को ठीक करना पड़ेगा। और यहाँ पर इस शर्ट को निकाल लेते हैं, शर्ट यहाँ नहीं रहेंगे। अभी यहाँ पर हम जीन्स की जगह बनाएंगे। तो अभी यहाँ पर जीन्स वगैरह लगा दिया हूँ, ये वाइट जीन्स रहा, ये ब्लैक जीन्स रहा, ये ब्लैक निकट है और ये कॉटन का पैंट है और ये जो भी जीन्स लेके आए वो ये सारा यहाँ पर लगा दिया हूँ। अभी नीचे में इतना सा शर्ट पड़ा हुआ है, शर्ट को भी एडजस्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद में और भी कुछ आर्टिकल आए हैं, वो भी आपको दिखा रहा हूँ। इतना भी मैंने जीन्स लाया था, ये वाइट जीन्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये निकट जीन्स है ब्लैक में और पूरा डार्क ब्लैक है। ये तीनों जीन्स को अभी कैटलॉग में लगाना है, यानी कि यहाँ पर लगा कर रखूँगा, इसलिए उसको बाहर में रखा हूँ अभी। जो जीन्स लाया था पीछे यहाँ पर लगा चुका हूँ, आप देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी ये तीन आर्टिकल लाए हैं, शर्ट भी लाए हैं, मैं आपको शर्ट भी दिखा रहा हूँ। तो जो मैं अभी शर्ट का बात करता था कि मैंने शर्ट भी लेकर आया हूँ, तो ये शर्ट लेकर आया हूँ मार्केट से। ये कुर्ता टाइप का है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है कलर। फिर सेकेंड वाला ये है, यानी कि एक इस कलर में लाए हैं, ये कलर काफ़ी स्वीट लग रहा है और काफ़ी अच्छा भी है। और एक ये कलर रहा है, ये पर्सनली मैंने एक ऐसा निकाल कर रखा है अपने, मैं विलेज जाऊँगा तो शादी में पहनने के लिए, तो ऐसा निकाल कर रखा है। सारे कपड़े हैं, सबको बाहर लगाना है कैटलॉग में, और अंदर की तरफ मैंने जीन्स लगा दिया है। ये ब्लेजर अभी बाहर में लगा होता तो मैंने इसे अंदर लगा दिया, और यहाँ पर जो जीन्स था उसको यहाँ पर लगाया हूँ। अभी देखता हूँ जगह कहाँ लगाना है, और कुछ दुकान ऐसा लग रहा है। ये शर्ट नया लगाया हूँ, ये शर्ट नया लगाया हूँ, ये शर्ट नया लगाया हूँ, ये ब्लेजर बाहर में था वो लगा, दो जीन्स है वो नया लगाया हूँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप कमेंट करके बताइए वो दुकान कैसा लग रहा है। दुकान पर आया खाना लेकर, तो खाना खाऊंगा। खाना खाने के बाद मैं सोच रहा हूँ ना कि RTO ऑफिस जाऊँगा, यानी कि जो लाइसेंस बनता है मैं उसको ऑफिस जाऊँगा, पता करूँगा कि कैसे लाइसेंस बनेगा, क्या प्रोसेस है, मुझे नहीं पता। ऑनलाइन मैं कर सकता हूँ, ऑनलाइन करने से 2100 लग रहा है और ऑफलाइन करिएगा तो 1100 रुपये लगेगा, तो मैं ऑफलाइन ही सोच रहा हूँ कर लूँ। तो देखते हैं कैसे क्या करना है अभी। तो चलो चलते हैं, मैं हूँ और मेरे साथ एक और लड़का है, दोनों जन को लाइसेंस बनाना है, तो अभी जाएंगे लाइसेंस बनाने के लिए। गुड इवनिंग, और अभी मैं शाम को दुकान में आ चुका हूँ। आपने देखा था कि मैं गया था RTO ऑफिस में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, तो वहाँ पर क्या हुआ वो बताता हूँ पहले आपको। तो RTO ऑफिस जाने के बाद मैं यहाँ से निकला, स्टेशन गया, स्टेशन से फिर मैं RTO ऑफिस गया। वहाँ पर जाने के बाद मैंने एक बंदे से पूछा कि भैया ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है कैसे होगा, तो वो बोला हमको नहीं पता, जाओ जो करने कर लो, देख लो कहाँ होता है। तो फिर मैं दूसरे बिल्डिंग में गया, दूसरे बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पर हो रहा था। सेकंड फ्लोर पर जाने के बाद वहाँ पर RPF था, RPF से पूछा मैंने कि भैया कैसे क्या हो बताइए थोड़ा। तो उसने गाइड किया मुझे कि आप नीचे जाइए, नीचे एक फेयर प्राइस है, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फेयर प्राइस लगाया गया है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे लंबा लाइन था और मैंने इसी में आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड का जीरोस कराया नहीं था। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई तू लाइन भर जा और मैं जीरोस करा के आता हूँ। मैं चला गया जीरोस कराने गया, तो जहाँ से मैं जीरोस करा रहा था
वहाँ भी मैंने देखा तो वो भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है क्या, करते हैं क्या? तो बोला हाँ करते हैं। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उसको भी यहाँ बुला लिया, उसने अप्लाई कर दिया और 100 रुपये लिया, यानी कि मेरे 100 और मेरा दोस्त से 100 रुपया दो जन का अप्लाई करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, वहाँ से बहुत से बोला कि जाइए चालान का पेमेंट करके आइए। बगल में एक ऑफिस था, मैं गया फिर से, जहाँ से दो तला से मुझे बोला गया था कि नीचे जाओ, वहाँ पे गया। वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जहाँ से कैश जमा होता है, कैश में जमा किया। कैश जमा करने के बाद मैं जब नीचे आया तो जो जहाँ से मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था वो मुझे बोला था कि बोलिए अभी आपको ट्रायल दे रहे हैं और आपका जो लर्निंग का लाइसेंस है वो आपको मिल जाएगा और एक महीना बाद डेट पड़ेगा, आप जाकर उस दिन ट्रायल देकर चलाइएगा। तो मैंने सोचा यार खुद से क्यों, अभी क्यों करना है, दो तीन दिन टाइम लेते हैं खुद को, जितना क्वेश्चन वगैरह है वो सब सीख लेते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। मैं संगसंग लर्निंग नहीं दिया, अब संगसंग लर्निंग भी दे सकते हैं एज ए ब्रोकर के। उसके बाद वहाँ से मैं बैंक गया था, फिर बैंक में जाने के बाद घर गया, घर के बाद मैं अभी अपने दुकान पर आया हूँ। और एक बात है, मुझे ना अभी सबसे ज़्यादा, यानी कि मैं जहाँ तक अभी कपड़ा देने गया हूँ वहाँ पर सबसे ज़्यादा दूर तक कपड़ा देने के लिए आज जाना है। मुझे 3 कॉटन का पैंट का ऑर्डर है, वो लेकर जाना है। तो भाई दुकान पर आएगा तो मैं जाऊंगा डानकुनी, जो कि हमारे यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, या तो मैं ट्रेन से जाऊंगा या तो बस से जाऊंगा। तो फाइनली ना भाई दुकान पर आ चुका है और ये 3 कपड़ा ले जाकर मुझे देना है। मैं सबसे ज़्यादा दूर जा रहा हूँ आज कपड़ा डिलीवरी करने के लिए। तो मैं अभी हाईवे पर आया हूँ बस पकड़ने के लिए, यहाँ से इस साइड से बस आएगी और इस साइड जाएगी, मुझे दिल्ली रोड जाना है अभी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ बस का, अभी मुझे रास्ते को उस पार भी जाना है। और देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कितना ज़्यादा भीड़ होकर रखा है। मुझे नहीं पता, पंगा ये है कि मुझे नहीं पता कि कौन सी बस जाएगी, डानकुनी वाली बस तो जाएगी लेकिन कौन सी बस दिल्ली रोड जाएगी ये नहीं पता पहले वो। तो अभी मैं डानकुनी उतरा हूँ यहाँ पे, तो अभी मैं दिल्ली हाईवे रोड के पास उतरा हूँ, यहाँ से वो आदमी मुझे लेने आएगा, आदमी को मुझे कपड़ा देना है।